भी क्या हम सिलसिला वहां से शुरू नहीं कर सकते जहां छोड़ा था? नहीं नहीं यार, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं दिल। तो बच्चे जवान हुए, हम कौन सा बूढ़े हो गए? नहीं नहीं आप जो सोच रहे हैं मुमकिन नहीं है दिल। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम जिंदगी में अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, यही तो वक्त है। देखो बी, जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है। ये मौका हमारे बच्चों के लिए है और हाँ, हम उनकी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। चाहे हम अपनी खुशियां कुर्बान कर, सारे समझौते हमारी जिंदगी में लिखे, हमारे हमारी नसीब में लिखे। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनके जिनके नसीब में सिर्फ टूटना ही लिखा होता है। नसीब में तो हमारा मिलना भी था। देखो, तुमने कभी सोचा भी था कि हम यूं अचानक कितने सालों बाद मिलेंगे? वो भी ऐसे। ये कोई हादसा नहीं है भी, ये भी नसीब का लिखा है। मेरे सवाल का जवाब तो दी थी जो एक जवाब पर कई सवाल उठेंगे दिल। तो हम सब सवालों के जवाब देंगे, सब मुश्किलों का सामना करें। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूं। तुम कब मजबूर नहीं थी? माजी कि सारी यादों से बाहर निकल आ दिल। कैसे कैसे बाहर हो? बस सब कुछ भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैं, तुम भूलियो। हाँ मेरी तरफ देख के जवाब दो। नाजुक सी एक डोर से है बंधी रिश्तों में। तुम भूलियो। हाँ और यहाँ के तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। इन आंखों में मुझे अभी तक कोई मोहब्बत नजर आ रही जो बरसों पहले थी। मामा मामा। हाँ क्या हुआ है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? आपने दिलावर अंकल को रोक लिया? हाँ, वो शहर में हंगामे इतने हो रहे थे तो मैंने सोचा इतनी रात को बाप बेटा जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए रोक लिया। मामा 9 बज रहे हैं, इतनी रात थोड़ी हुई है। मुझे तो लगा कि तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने शेरी उसके डैडी को रोक लिया। रोकना तो अब दिलावर अंकल को चाह रही थी, शेरी तो बहाना है। क्या मिन मिन कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शेरी। क्या शेरी? कि आपको कैसा लगा वो? सच बताऊं तो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं भाया वो। उसके बाप से उसके कारनामे सुन के तो मैं डर ही गई। मतलब उसका बाप इतना शरीफ और नफीस इंसान है, एक भी आदत अपने बाप की नहीं ली उस लड़के ने। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। ना भाई ना। तो क्या बाप से शादी कर लूं? ये क्या कह रही हो तुम? लगा ना बुरा लगा ना, लगना भी चाहिए क्योंकि आपको दिलावर अंकल तो बहुत पसंद है। होश में हो किरण? किरण तुम शायद भूल रही हो, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। होश तो आप अपने खो बैठी है। मैं देख रही हूँ सुबह से क्या चल रहा है इस घर में। ये जो मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, ये सिर्फ दिलावर अंकल की वजह से। आज से पहले तो आप कभी इतनी खुश नहीं थी। किरण तो ये खुशी
मेरा जुर्म ही मान गई? क्या मुझे कोई हक नहीं है खुश होने का? और मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपनी माँ की खुशी में खुश होगी, वो माँ जिसने अपनी सारी जवानी में छावर कर दी आपकी परवरिश में। किरण, आपके बाप से डिवोर्स के बाद मैंने कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी आपको। जो मांगा वो दिया, जो नहीं भी मांगा वो भी दिया। अपनी जरूरतों का गला घोट कर आपकी जरूरतें पूरी की। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी खुशी का सोचना चाहा तो आपको बुरा लगा है? ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है बेटे। आप शरीर से कह दें कि रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, और यहाँ आप चाहेंगे वहीं आपकी शादी होगी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। जिंदगी की कहानी यही, दो का मोहब्बत जफा और नमी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।